दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली रिजल्ट में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाबिक डीबी का मतलब डोमेस्टिक ब्रांच का यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ था दोस्तों, जिसमें आपको बता दें यहाँ पर आपसे एक भी रुपया एप्लीकेशन फी नहीं लिया जाएगा और आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे जाइए और वहाँ पर आपको लाल बटन मिलेगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब बटन दबाइए और दबाने के बाद बगल में घंटी मिलेगा, घंटी को दबाइए ताकि हर वीडियो इंडियन नेवी से रिलेटेड आपको यहाँ पर जानकारी मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है इंडियन ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करके आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको दिखा देते हैं हम अच्छे से, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी का एक यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसका जो मतलब इंडियन नेवी में जो भी यहाँ पर आपके सामने फॉर्म आया होगा तो आपके सामने ये ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ नेट स्लो चल रहा है, इसलिए यहाँ पर कुछ टाइम लग रहा है। तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आया था जिसमें आपको लिखा रहा है, देख सकते हैं ऊपर में इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। और यहाँ पर आपका लिखा है एडवर्टीजमेंट इन नेविक डोमेस्टिक ब्रांच मतलब DB 01/2020 का बैच है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अक्टूबर मतलब आज से इसका स्टार्ट हुआ है और क्लोजिंग डेट जो देख सकते हैं इसका 8 नवंबर दिया गया है, ठीक 8 नवंबर तक इसका। और एडमिट कार्ड का दिया है लिंक, यहाँ पर 17 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, देख सकते हैं लिंक फॉर प्रिंटिंग ई एडमिट कार्ड 17 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक आप यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ना है तो हम आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया है इस पर टिक करना, उसके बाद यहाँ पर सब टिक रहेगा मेल, अगर फीमेल का इसमें एंट्री नहीं होता है उसके बाद यहाँ पर पोस्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो पोस्ट यही सिर्फ एक ही है डोमेस्टिक ब्रांच, ठीक है, इस तो पहले से सेलेक्ट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्री पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर ओके कर देना है आपको। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओके करते हैं तो आपके सामने आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोड ले रहा है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम मतलब ये इसका नेट जो वेबसाइट है बहुत ही अभी स्लो चल रहा है। तो आप हो सके जितना हो सके सुबह में या फिर एकदम रात में भरिएगा, आपका फॉर्म अच्छे से फिल होगा, ठीक है। और मतलब दिन में कुछ इसका वेबसाइट में जो स्लो सर्वर डाउन रहता है इसीलिए स्लो चलता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन जो अच्छे से अपना भरना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम पूछ रहा है, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम आपको अपना नाम डालना है, कैंडिडेट नेम डालना है, ठीक है। जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर आपका नाम होगा वही डालना है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम पूछ रहा है, उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम, उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डेट ऑफ बर्थ डालना है। देखिए फ्रेंड्स ईमेल आईडी इसमें बहुत ही जरूरी होता है, ईमेल आईडी आपको सही सही डालना है और ईमेल आईडी वही डालना है जो आपका ईमेल आईडी यहाँ पर चालू हो, ठीक है, बंद ना हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आप जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले पूछता है सिलेक्ट योर कास्ट, तो आपको अपना यहाँ पर कास्ट दे देना है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी जो भी आप हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड करिएगा, नहीं है तो आपको अनमैरिड करना है, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है वेदर यू बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, कि आप EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो अगर आप आते हैं तो यस करिएगा, नहीं आते हैं तो यहाँ पर नो पर टिक रहने दीजिए। उसके बाद आपको जेंडर देना है मेल या फीमेल, जो मतलब फीमेल तो नहीं है, अलाउ ही नहीं है, तो मेल आपको यहाँ पर देना ही है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है डी यू नो स्विमिंग, क्या आप तैरना जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद नीचे में आते हैं, यहाँ पर देखिए प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट नेशनल लेवल, मतलब अगर आप स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, अगर आप स्पोर्ट जानते हैं तो आपको यहाँ पर दे देना है, किसी स्पोर्ट में किसी भी क्षेत्र में आप अगर आपके पास योग्यता है सर्टिफिकेट मिला हुआ तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है इज वार्ड्स ऑफ कोस्ट गार्ड एंड डिसीजेज या फिर सर्विस पर्सनल, मतलब ये जो नौकरी होता है उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, अगर आप पहले नौकरी वोकरी करते थे तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है इज़ योर फादर सर्विंग रिटायर फॉर डिफेंस, क्या मतलब कि आपके पिता जो रिटायर हुए हैं मतलब कि जो डिफेंस जो जॉब करते थे, या फिर आपके घर के कोई भी मतलब फादर मतलब अगर आप फादर आपके जॉब करते थे तो ये डिफेंस में करते थे तो रिटायर हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, तो आपको यहाँ पर करना है यस, अगर रिटायर हुए हैं तो नहीं हुए तो नो। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको यहाँ पर सर्विस टाइप भी देना पड़ेगा, मतलब आपके पिता किस चीज़ में यहाँ पर जॉब करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देगा कोस्ट गार्ड आर्मी एयरफोर्स नेवी जिसमें भी करते थे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर कोई मतलब ये नहीं है, तो ठीक है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं परमानेंट एड्रेस के बारे में, तो आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अपने दे देना। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको दे देना है अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड, पिन कोड देने के बाद आपको यहाँ पर अपना सिटी देना है, जो भी आपका सिटी होगा सिटी दे दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना अपना मोबाइल नंबर दे देना है, मोबाइल नंबर भी वही देना है जो आपके मोबाइल नंबर चालू हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है
मतलब कि यहाँ पर पूछा है, देखिए क्लिक हियर इफ़ करेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस रिफरेंट फ्रॉम परमानेंट एड्रेस, मतलब कि अगर आपका दो एड्रेस है, जो एड्रेस आप यहाँ पर दे रहे हैं उसके अलावा और कोई अगर एड्रेस है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आपको देखिए, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर एक और एड्रेस आपको देने के लिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस बॉक्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक और सेक्शन खोल कर आ जाएगा एड्रेस देने के लिए। अगर आपका एक ही एड्रेस है तो आपको इस बॉक्स पर टिक नहीं करना है, ठीक है, अगर एक ही एड्रेस है तो अगर अलग अलग दो जगह एड्रेस है तो आपको इस बॉक्स पर टिक करके वो भी एड्रेस अपना देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है चॉइस ऑफ सेंटर, आपका सेंटर कहाँ रहेगा ये अपना, इसमें जैसे ही आप यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देंगे तो आपका अपने आप यहाँ पर सेंटर आपका दे देगा, ठीक है। तो सेंटर आपको सेलेक्ट नहीं करना, अपने आप ये दे देगा। चलिए आपको दिखा देते हैं, तो ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एनसीसी क्वालिफिकेशन इफ़ एनी, मतलब अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको देना है। एनसीसी सर्टिफिकेट में आपको ए मिला हुआ, ग्रेड मिला, बी और सी जो भी आपको मिला हुआ तो आपको यहाँ पर टिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद नीचे में आते हैं, आपको सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन फ्रो, मतलब कि जो यहाँ पर जो मतलब जो नेवी जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 50% बहुत ही मायने रखता है, उसी के आधार पर आपका यहाँ पर मान लीजिए आपका सिलेक्शन ही होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको देख सकते हैं 10th का आपको देना है, उसके बाद यहाँ पर 12th का देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10th का पासिंग ईयर देना है, 12th का यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर जो आपके सर्टिफिकेट 10th में जो मिलता है उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का जो भी आपका नाम है आपको यहाँ पर दे देना है, उसके बाद 10th में जो भी आपका टोटल मार्क होगा वो आप दे दीजिएगा, उसके बाद ऑप्टेंट मार्क कितना आपका मार्क प्राप्त हुआ था ये आपको दे देना है, उसके बाद यहाँ पर परसेंट दे देना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 12th, अगर आपने 12th किया है तो 12th के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 12th का भी पासिंग ईयर देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम देना है, उसके बाद टोटल नंबर मार्क ऑप्टेंट कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ परसेंट देना है, ठीक है। अगर ये आप ये सब भी यहाँ पर अगर किए हुए हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आते हैं यहाँ पर फोटोग्राफ, देखिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ फोटोग्राफ, देखिए फोटोग्राफ आपका होना चाहिए 10 से 40 के बीच यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। 10 से लेकर के 40 के बीच आपका फोटो होना चाहिए और सिग्नेचर जो है 10 से 30 के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको कैसे अपलोड करना है, आपको यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा है दोनों, तो आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका फाइल सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फाइल सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन जो भी आपके जहाँ फोटो होगा वहाँ पर फाइल में जाकर के फोटो को जैसे ही ओपन करिएगा तो आपको यहाँ पर फोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिएगा, हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, मतलब जो सर्विस करते हैं उसके बारे में आप छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पूछ रहे हैं, आपको यहाँ पर प्लेस अपना दे देना है, जिस स्थान से आप जिस स्थान पर रहते हैं या फिर जिस स्थान से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो दे देना है, इसमें कोई जरूरी नहीं है, जहाँ पर रहते हैं उसका स्थान यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैप्चा है, कैप्चा इसमें आपको फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों इसके बाद ही बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि यहाँ पर कई बार सबमिट करने के बाद भी उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ आप एकदम या फिर सुबह में 3 या 4 बजे भोर में एकदम फॉर्म अप्लाई करिए या फिर रात को 11-12 बजे से आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि उस समय सर्वर डाउन नहीं रहता है और आपका जो भी फॉर्म है अच्छे से फिल होता है, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर जो इसके आगे का प्रोसेस है वहाँ पर दिखाएगा कि योर एप्लीकेशन मतलब कि सक्सेसफुली सबमिटेड, नहीं तो बार बार यही पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एरर दिखा देगा, वही सब होगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप एकदम रात में या फिर एकदम सुबह में फॉर्म अप्लाई करिए, और सबमिट होने के बाद अगर प्रिंट दे देगा आपको तो समझ लीजिए आपको यहाँ आपका फॉर्म अप्लाई हो गया है, क्योंकि इसमें कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगता है। तो सबमिट करने के बाद अगर प्रिंट आपको मिल गया अगले पेज में तो समझ लीजिए आपका फॉर्म अप्लाई हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको प्रॉब्लम होता है कोई फॉर्म अप्लाई करने में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।